देखो कितनी ज्यादा प्यारी किटन है ये, बहुत ज्यादा प्यारी। और ये जो है साथ में और भी, मैम यहाँ पे टोटल हेलो 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 देखना चाव चाव वाली है। नो नो भाई चाव चाव से तो क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसी फैमिली से, एक ऐसी लेडी से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने जो बेसिकली एक ऐसा यू नो मेरा ड्रीम हाउस में मतलब ड्रीम हाउस टूर होने वाला है। सो मैं वहाँ पर अब आपको लेकर चलूंगा, बहुत सारे एनिमल से मिलवाऊंगा। सो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन और पूरा व्लॉग लास्ट तक देखिएगा। तो ज्यादा समय लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। 12 seconds later. So guys, जैसे कि आपको पता है आजकल जो है बहुत ज्यादा जो है क्रिकेट मैच हो रहे हैं, लाइक ODI, T20 और फोर ट्रॉफी जैसे जो टूर्नामेंट हो रहे हैं। तो सबसे बेस्ट वे है पैसा कमाने का अपनी बेस्ट और फेवरेट टीम के ऊपर जो है पैसा लगा के। तो उसके लिए जो है मैं एक ऐप लेकर आया हूँ जिसका नाम है 1xBet। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है उनके लिए स्पेशली जो है अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जो है साइन अप करते हैं तो आपको $100 का डिपॉजिट मिलेगा। सो किस चीज का इंतजार है, जाइए आप भी पैसे कमाइए। A few moments later. So, फिलहाल अभी मैं पहुंच चुका हूँ, मेरे पीछे ही ये जो है उनका घर है। और मैंने ना मतलब जैसे तुम्हें बताया था कि मेरा ड्रीम हाउस मतलब फ्यूचर में मैंने बनाना तो वैसे बनाना फुल ऑफ एनिमल्स। तो विंदा चलते हैं। हेलो कैसे आप? बढ़िया सर, आपसे नहीं बहुत बढ़िया। सो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ मैम से। मैम आपको बेसिकली अगर मैं बात करूँ एनिमल्स से, यू नो कितना टाइम हो गया आपको डॉग्स वगैरह रखते हुए? ऑलमोस्ट 20 years हो चुके हैं हमें, 20 years से हम लोग डॉग्स। सो आपके जो हस्बैंड है वो भी सपोर्ट करते हैं यू नो एनिमल्स वगैरह? बहुत ज्यादा। अच्छा। बेसिकली मुझे इस लाइन मतलब मुझे पेट लवर बनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ। अच्छा, है बस वैसे आप शुरू से आपको पेट पसंद है? मुझे पेट पसंद है बट मैंने इतने सारे पेट्स कभी एक साथ रखे नहीं थे। तो मेरे हस्बैंड की मतलब आफ्टर वेडिंग तो हम लोग मैं भी उनमें इन्वॉल्व हुई हूँ। तो मैं अगर आपको स्टार्टिंग करें तो मैं एक सबसे पहले तो हाउस टूर ही है ये, बेसिकली आपका हाउस टूर है ये, पूरा व्लॉग ही हाउस टूर है। ओके सर, व्लॉग की हम स्टार्टिंग करें तो पहले तो यहाँ पर जो है इनके जो डॉग्स ने बेसिकली जितने भी छोटे डॉग्स हैं इनके किटन हैं, देखो किटन के भी हैं किटन रनर अप। तो ये किटन कैच शोज होते हैं, डॉग शोज होते हैं, तो उसमें भी आप डॉग्स को कैच को लेके जाते हैं, राइट? हम जाते हैं। ओके सर, यहीं से स्टार्टिंग में आप देख चुके हो कि क्या खतरनाक चीज़ यहाँ पर है। तो मैम आप इनके बारे में ज़रूर बताएं सबसे पहले तो ऑडियंस। ये इगुआनास हैं, ये लास्ट 1.5 years प्लस टाइम हो चुका है हमारे साथ तैर रहे हैं। वैसे ये रेप्टाइल्स हैं और ये इसका नाम आना है, हमने इनके नेम को ही ब्रेक करके इगुआना को ब्रेक करके अच्छा। इनका नेम रखा हुआ है, ये आना है और ये इगू है। इगू राइट, हाय इगू, से हाय। हेलो इगू। इगू को देख के थोड़ा डर भी लग रहा है और जतिन जो कैमरा के पीछे उसको सबसे ज्यादा डर लग रहा है इनसे। नहीं, ये बहुत फ्रेंडली है, ये बिल्कुल भी हार्म नहीं करते हैं। इनफैक्ट ये हम मतलब स्ट्रेंजर्स को देख के ये थोड़ा सा डरते हैं। okay. जैसे हमें लगता है कि ये लोग अटैकिंग है, ये बिल्कुल भी अटैकिंग नहीं, अटैक क्या ही करेंगे मैम ये। ओके सो अगर हम बात करते हैं, ये जो मैम अभी मुझे बता रहे थे ये जो लाइट्स है ये नॉर्मल लाइट्स नहीं है, राइट? नॉर्मल लाइट्स नहीं है। और यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन थर्मोमीटर भी लगाया हुआ है क्योंकि हमें इनका जो टेम्परेचर है वो 28-30 से बिलो नहीं जाना चाहिए। अगर वो बिलो okay. जाता है तो फिर हम लोग मेंटेन करते हैं लाइट से और बाकी और चीज़ों से। और इनका एक ह्यूमिडिटी लेवल होता है जो 60-65% से वो भी डाउन नहीं जाना चाहिए। अगर वैसा भी कुछ होता है फिर हम वो ह्यूमिडिटी लेवल भी मेंटेन। आप जैसे ये इनको एसी में रखते हैं आप नीचे भी? नहीं नहीं, ये लोग फ्रीली घूमते हैं घर में। इनका केज ओपन होता है, सिर्फ जैसे ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर्स होती हैं तब इनका केज हम रात के टाइम। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि गर्मियों में ही रहते हैं या क्या इनका क्या टेंपरेचर? इनको जो इनके सर्वाइवल जो अच्छे होते हैं वो होते हैं जब गर्मी होती है, तो ये ज़्यादा वो होते हैं क्योंकि कोल्ड ब्लडेड हैं ये, तो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए फिर हमें इनकी लाइट्स वगैरह मेंटेन करनी पड़ती हैं ये। और ये इसका आप इसको तो ध्यान से देखो मैम, बेसिकली इसकी स्किन भी मेरे ख्याल से इसकी स्किन ये कोट चेंज करते हैं जैसे स्नेक्स में होता है, वो भी कोट चेंज करते हैं, तो ये लोग भी कोट चेंज करते हैं और फिर इनका बड़ा शाइनी सा कलर निकल के आता है। क्या बात है। तो यहाँ पर मैम ने साथ ही साथ जो है ना कैट्स भी रखी हुई है, राइट? राइट। सो अभी मैं आपको कैट्स का रूम दिखाता हूँ। सो अभी फिलहाल मैं स्पेशल यहाँ पर एक
सेटअप बनाया हो मैम, आपको कितना टाइम लगे सेटअप को रेडी करने में? वैसे सेटअप को रेडी करने में जितना आप आगे आप आगे चलो स्लोली स्लोली काम होता है बच्चों के, कैप्चर करते हैं ये चीज, दिखाता हूँ मैं आपको। वो देखो कोई छोटी छोटी किटन्स भी जो है यहाँ पर, इन्होंने जो है ये कितने टाइम की मैम किटन्स? 25 देखो कितनी ज्यादा प्यारी किटन है ये, बहुत ज्यादा प्यारी। और ये जो है साथ में और भी मैम, यहाँ पे टोटल कितनी कैट्स हैं आपके पास? यहाँ पे 2 फीमेल्स हैं और 1 मेल है, 2 ये किटन्स हैं। और ये जो किटन्स हैं ये हमारी होम ब्रीडिंग से हैं। अच्छा होम ब्रीडिंग से हैं। और ये देखो ऊपर देखना इसको, इसका नाम क्या है? जैक। हेलो जैक, ये फादर है क्या इनका? ये फादर। हेलो जैक। जैक देखो कितना प्यारा लग रहा है बैठा हुआ आराम से। और ये सेटअप देखो आप एक बार ना पूरा, ये मैम कह रहे हैं कि इन्होंने खुद ही डिजाइन किया है। ये बाहर से वैसे मिलती है ऐसी चीज़, बट इतनी मजबूत नहीं होती, राइट? ये बहुत रफ एंड टफ है। हमारी कैट बहुत चीज तोड़ चुकी है, हमने डिसाइड किया कि हम खुद से बनाएंगे। एक स्टैंड को इन्होंने सारा का सारा कस्टमाइज किया है, आप जैसे देख सकते हैं। किटन्स ढाके दिखाता हूँ छोटी छोटी, कितनी प्यारी लग रही है देखना मेरे को। मैं बताऊँ मुझे कैट्स इतनी पसंद दी है, मैं ज्यादा एक डॉग लवर हूँ, बर्ड्स भी मुझे पसंद है। कैट्स अगर आप एक बार रख लोगे ना, कैच रखना और मेंटेन करना बहुत इजी है, डॉग्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी है। वो इजी टास्क तो हम कर ही रहे बहुत नहीं, मेरे को कैट्स एनिमल सारे ही पसंद है, बट कैट्स के साथ ना मुझे अब लग रहा है कि मेरी बॉन्डिंग हो जाएगी, जिस हिसाब से मैंने इनको बच्चों को देखा ना तो प्यार आ रहा है इनमें। हेलो, हम लोगों को कैट्स से इतना प्यार है, मतलब मुझे मेरी क्वालिटी की जैसी क्वालिटी हमें चाहिए थी वो क्वालिटी हमें यहाँ मिल ही नहीं रही थी, तो मैं स्पेशली साउथ साइड गई थी। मैं अपनी फर्स्ट कैट लेने केरला गई थी, सिर्फ कैट को लेने मैंने उसको एयरपोर्ट से रिसीव किया और देन वापस मेरी रिटर्न फ्लाइट थी, मैंने जस्ट हाफ एन आवर वहाँ। कौन सी कैट है वो? कौन सी कैट है वो? अभी नहीं है, वो सेल हो चुकी है। तो बेसिकली आपने ब्रीडिंग स्टार्ट आपने जो है कैट्स की वो साउथ से, और ये सारी इनकी कैट्स की ब्रीड पर्शियन ब्रीड है, राइट? पर्शियन ब्रीड है, पर्शियन में आगे बहुत सारी क्वालिटीज होती है, लाइक डॉल फेस होती है, फ्लैट फेस होती है, सेमी पंच, पंच, एक्सट्रीम पंच, देन फिर सीएफ लैंग्वेज। सो मैं आपको बताता हूँ, वैसे जो है अगर आपको किसी भी किटन की किसी की भी क्वेरी हो सकती है तो मैम का इंस्टाग्राम, फेसबुक और जितना भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप वहाँ जाके इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राइट मैम? राइट। सो अभी इसके बाद मैं डॉग्स के बारे में करते हैं हम बात, हम डॉग्स दिखाते हैं मैम के पास जो है। सो अभी सिर्फ ना डॉग्स, कैट्स, इगुआना, साथ ही साथ बर्ड्स भी है, राइट? राइट। देखो छोटा सा एक सेटअप है बट बहुत ही प्यारा सेटअप लग रहा है मुझे। और ये ना मतलब एक घर सेटअप के पीछे जो स्टोरी है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी वाली है। स्टोरी नहीं, इनसाइड। हमारे यहाँ पे एक पेट शॉप है, तो लॉकडाउन में जैसे कि सारा कुछ बंद हो गया था, तो मेरे माइंड में आया कि उन सर की शॉप पे बर्ड्स स्टक हो गए हैं कि उनको फूड नहीं मिल पाएगा, जैसे ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी। तो मैंने स्पेशली उन सर को कॉल किया और बोला कि सर आपके पास जितने भी बर्ड्स हैं आप बताओ आपके पास कितने पेयर्स हैं। उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास 9 पेयर्स हैं, तो आई सेड कि आप सारे पेयर्स किसी भी तरह मेरे घर तक पहुंचा दो। ये मेरे पास तब एडिशन में आए थे, मैंने इन बच्चों को सिर्फ रेस्क्यू कह लो, सेव कह लो, लाइफ के लिए बहुत सही किया, तब लेके आए थे हम लोग। बहुत बहुत ज्यादा अच्छी चीज। अभी अभी मैम आप डॉग्स दिखाओ, और आपने मुझे भी बताया कि आपके पास पपीज भी हैं। पपीज भी हैं, कौन सी ब्रीड के? गोल्डन रिट्रीवर के पपीज हैं इस टाइम। सो सोने पे सुहागा होगा, हम तो बहुत सही मौके पे आए हैं। अभी ना फिलहाल अंदर से मैम निकलते हैं और देखते हैं और कौन कौन से डॉग्स आते हैं। आ जाओ। हेलो। सो स्टार्टिंग में जो है सबसे पहले सारे शिज़ू आए यहाँ पे। मुझे शिज़ू ना पसंद आने लग गया यार। हेलो हेलो हेलो, इधर आओ इधर आओ। बहुत ज्यादा ही लविंग ब्रीड है। हेलो, हाँ जी, हाँ। ओ क्यों काट रहे हो, क्यों काट रहे हो, क्यों, व्हाई? ओए देखना इसको, देखना देखना देखना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हेलो सिल्क। हेलो। 6.5 months ओल्ड फीमेल है। और ये? ये हमारे पास गेस्ट है, हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हम। वाओ। तो ये हमारे पास हॉस्टल में आया है। सो बेसिकली मैम जो है ट्राई सिटी बेस्ड है, चंडीगढ़ बेस्ड है। सो अगर आपका कोई हॉस्टल के लिए अगर आपका कोई डॉग है, ठीक है, फॉर 2-3 days और अ वीक, राइट? आप जो है हॉस्टल फैसिलिटीज के लिए भी इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी इनको सारों को इधर लेकर आते हैं। इधर इनकी इनके साथ बनती है क्या? इनकी आप बनती है मेरे साथ की आपस में। अच्छा, इनकी भाई साहब इनके साथ बनती है।
ये अलग है यार। हेलो हेलो, इधर आओ, आ जाओ इधर आओ। तो अच्छा एक ना सबसे बड़ी बात है, मेरा ये ब्लॉग ना मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि ना घर के अंदर इतने सारे डॉग्स और एज अ फैमिली इनको ट्रीट करना, नो केज, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई यू नो लीज नहीं, कुछ नहीं, फ्रीली इनको घूम रहे हो, देखो चारों कितने प्यार से यू नो एक दूसरे के साथ चिल कर रहे हैं, मस्ती हो रहा है, मस्ती हो रहा है, ये लग रहा है इसकी इसकी इसके उससे लग रहा है, ये ओरियो जैसा है। सो मैम बेसिकली आप जो है घर पे ही ब्रीड करते हैं, वो ही आप आगे यू नो मतलब पेट लवर्स जो लेते हैं उनसे होम ब्रीडिंग से ही जो होता है, होम ब्रीडिंग को ही मैं प्रमोट करता हूँ। बेसिकली क्या होता है, जो बेसिकली मीडियोकर वाला सीन होता है ना, वो थोड़ा सा पपी के लिए भी गलत होता है और जो पपी यू नो बायर होता है उसके लिए भी गलत होता है। सो और मैम दूसरी ब्रीड से भी मैम अभी हम मिलते हैं इनके बाद, दूसरी ब्रीड है रिट्रीवर राइट एंड लैब्राडोर, चलो उनसे भी मिलते हैं दोनों से। हेलो, सो ये लैब्राडोर है, इसका नेम क्या है? रेबेका। और ये रैपंज़ल, ये मामा की फेवरेट गर्ल है। अच्छा, कभी भी मामा को नहीं छोड़ती है ऑल द टाइम। हेलो, से हाय। हेलो हेलो, सो अभी बेसिकली मुझे पता लगा है ये भी मामा बन चुकी है राइट। सो इसके जो है अभी हम आपको पपीज भी दिखाएंगे। हाँ ये देखना, आपस में लगे हुए हैं। मामा का बच्चा है ये, इसके फेस से ही पता लग रहा है, ये ना एक्सप्रेशन इसे चेंज कर लिया अपने। इनके आपस में बस्ती है, लड़ाई भी बस्ती होगी थोड़ी बहुत, देख रहा हूँ उसके पीछे लग गए। चलो अभी जो है मैम रेट्रीवर के पपीज भी देखते हैं जो उसके हैं राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो चाओ चाओ के जो है इनके दो फीमेल्स हैं राइट ये right. और इनको मैं पहले भी मिल चुका हूँ, अगर आपको याद आ गया है कि इनको किस व्लॉग में मैंने दिखाया था सो कमेंट बॉक्स कर देना, जिसका राइट होगा तो उसको मैं एक हार्ट जरूर दूंगा ठीक है। देखते हैं कौन कौन सही गेस करता है। और ये देखना, हेलो हेलो, घबरा गए है ना, ज्यादा नहीं चाओ चाओ वाले फ्रेंडली है। नो नो भाई, चाओ चाओ से तो आपस में तो नहीं लड़ते, बस नहीं, वो ठीक है, नहीं मैं तो मैं मानू इनके लिए, मुझे तो छोड़ देंगे। तो अभी भी फिलहाल आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो है गोल्डन रिट्रीवर के पपीज है मैम के साथ। तो मैम ये कितने डेज के होंगे पपी? 20 डेज के हैं। हाँ, एंड इनका जो फादर है वो बेसिकली यू नो आप चैंपियन है, डॉग खुद भी चैंपियन है और जो ब्लड लाइन है वो सारी की सारी बाहर से इम्पोर्ट है राइट मैम। एंड ये विद केसीआई ही है मैम, अगर जैसे पपीज जो आपने रखे हैं विद केसीआई मिल जाएंगे। हेलो हेलो, ये देखो कितने ज्यादा प्यारे बच्चे, और 20 दिन के हिसाब से इनकी जो हेल्थ है ना, हेलो हाँ कितने एक्टिव हैं, हेलो हाँ वो देख। सो लास्ट अभी फिलहाल इनके घर पे एक जो लास्ट बच्चा है उससे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, और वो मुझे ना मतलब अलग से जब मैं उसको देखा ना कि ये क्या आपका ही है, तो अभी फिलहाल उससे मिलवाता हूँ, आ जाइए मैम प्लीज उसको लेके। And here is. Say hi. What's her name? Sydney. Sydney. Yeah. Wow. So इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा okay ऐसे ही ठीक है, Oreo वाला सीन है बस, Oreo ठीक है। Hello. Say hi. Hello. इन्होंने oh wow. So golden retriever. क्या बात, मुझे एक लेना ही पड़ेगा। आय 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 आय, कितनी कितनी प्यारी है। Hello. 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 हेलो। अच्छा मैम ये पीछे मैं फिशेस भी देख सकता हूँ, आपने फिशेस तक रखी हुई है घर पे यार, वाओ। सो इनका क्या बेसिकली कुछ ब्रीड वगैरह का भी सीन है मैम इनका? नहीं, हम लोग तो नहीं ब्रीड करते, हमने तो अपने शौक के लिए रखी, शौक के लिए रखी हुई है। वाओ, ये भी बहुत मतलब एक तरह से स्ट्रेस रिलीजर है, मजा आता है इनको, अगर आप इनको कितनी भी टेंशन है, आपको कितना भी कुछ है, स्ट्रेस्ड हो, आप सिर्फ 15 मिनट्स इनको फोकस कर दो, मतलब आप वो सारा स्ट्रेस भूल के इन्हीं में घूम हो जाओगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये वीडियो ना सेव करके रखनी पड़ेगी अलग से, YouTube से बहुत अलग से ठीक है, इसको सेव करके रखना पड़ेगा, फ्यूचर में मेरे को कुछ ऐसा ही बनाना है ठीक है मैम। मैं सच में
हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि हैट्स ऑफ टू योर फैमिली जो इतना ज़्यादा पेट्स के लिए, डॉग्स के लिए कर रही है. चाहे वो अपने घर में इतने सारे डॉग्स रखना हो, बहुत बड़ा टास्क होता है. उसके बाद देखो मैम, एज एन लेडी आपको पता है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके ऊपर भी, यू नो, फैमिली की. बट उसके बाद भी आप इतना टाइम जो है अपने डॉग्स को दे रही हैं, अपने पेट्स को दे रही हैं. सो हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. हेलो हेलो हेलो, इसको भी नीचे छोड़ते हैं. अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन. हाँ, जितने भी यार जो ये बेटिंग गेम्स होती है, बेसिकली थोड़ी रिस्क वाली होती है, तो मेक श्योर आप इसको सोच समझ के जो है नो अपना दिमाग लगा के आप इन गेम को खेले. सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग.